सो हे गाइस गाइस, मैं हूं समीर और आ गया हूं मेरे को नए रिएक्शन के साथ। तो गाइस, अभी आप सभी को पता है मिस्टर नया रफ्तार पज की एल्बम आ चुकी है। सो गाइस, मैंने उसके एक भी सॉन्ग का अभी तक ऑडियो पे रिएक्शन नहीं दिया था। सो गाइस, अभी गाइस उनका जो कि एक ऑडियो एल्बम के अंदर मी एंड माय फैन उसका ऑफिशियल वीडियो आ चुका है। तो गाइस, आज हम उसके ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। रिएक्शन को सो गाइस बिना टाइम को इस रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी म्यूजिक से लेवल है ये रफ्तार बाजे फीचरिंग शाहरुख के फीचरिंग है, मतलब समझो एक समुराई वाली फीलिंग है सॉन्ग के अंदर। ये बोले दिल ने दिल ने अब देखो दिल ने इसके लिए पूरे से आते जो मिलने ने मिले के बोले वो ब्रो वो मिले ने वो तेरे गाने हैं एंड कातिल है तेरी ये पेन सबका शुक्रिया वो तेरे गाने हैं एंड कातिल है तेरी ये पेन सबका शुक्रिया। ये बोले दिल ने दिल ने अब देखो दिल ने इसके लिए पूरे से आते जो मिलने ने मिले के बोले वो ब्रो वो फरमाना के लिखने से मतलब है दिखने से मतलब है लिखने से दिखने पे मिले जो धनुष से मेरे सारे पूरे हो जाते मकसद है हूँ मैं मुतासिब पर मैं ही मुनासिब मीडिया में खालिद पर दिल से मैं गालिब वालिद मेरे अब तारीफे करे बोले सोचा नहीं था कि निकलेगा वाजिब के घर में चला दूंगा अपना ही नहीं मैं औरों का भी अपने पर आए और चोरों का भी हिसाब विदेश के दौरों का नहीं बातों का शोरों का नहीं मसला है सच का छोरों का नहीं ये अपनी ही सोचे बस औरों का नहीं ये देसी रैप है काले कोरों का नहीं। ये बोले दिल ने अब देखो दिल ने इसके लिए दूर से आते जो मिलने मिले के बोले वो ब्रो वो विलेन है वो तेरे गाने हैं एंड कातिल है तेरी ये पेन सबका शुक्रिया वो तेरे गाने हैं एंड कातिल है तेरी ये पेन सबका शुक्रिया। ये बोले दिल ने अब देखो दिल ने इसके लिए दूर से आते जो मिलने बोले वो ब्रो वो फीलिंग है वो तेरे गाने हैं एंड कातिल है तेरी ये पेन सबका शुक्रिया वो तेरे गाने हैं जिसने भी पक्की सिहाई से नाम लिखाया या छाती पे बनवाया चेहरा मेरा ये जिसने भी दिल से है समझा मुझे उनसे मिलने बिना रिश्ता गहरा मेरा सर ना झुकेगा खुद ही लिखेगा ये सर ना रुकेगा लोहे को बातों से दूंगा गला खुद को हीरो से मैं देता सलाह हूँ के अपने से छोटे में ताकत भरूं माता पिता की हिफाजत करूँ कुछ दिल नहीं के हिमाकत करूँ बन के बाकी मैं सच्ची शहादत करूँ घर पे दावत रखूँ सबको बुलाऊं मैं सड़कों पे गाऊं ना सड़कों पे आऊं दिल ना दुखाऊं ना अपने सताऊं मैं चला भी जाऊं तो याद में आऊंगा। ये बोले दिल ने अब देखो दिल ने इसके लिए दूर से आते जो मिलने मिले के बोले वो ब्रो वो फीलिंग है वो तेरे गाने हैं एंड कातिल है तेरी ये पेन सबका शुक्रिया वो तेरे गाने हैं एंड कातिल है तेरी ये पेन। Full of vanity, but I put this gold on me, so I never thank the academy. Hand in my pocket, my cavalry. They mad at me, but you a fan of me. At the end of the day, the man in the mirror is the only one who never battled me. सो गाइस, सबसे पहले आप बताओ आपको कमेंट में कैसा लगा यह सॉन्ग, मेरे को बताओ। और मेरे अब रिव्यू की बात आती है तो गाइस, ये सॉन्ग के अंदर एक चाइनीज फील था, मतलब आप सभी को पता है समुराई वाली फीलिंग थी एक तरीके से, शायद एक कंसेप्चुअल वीडियो था, आप सभी को पता होगा कंसेप्चुअल वीडियो था, चाइनीज वाली फीलिंग थी समुराई वाली। और जो दो समुराई दिख रहे थे आपको पता है कि शाहरुख था उसके अंदर से एक रफ्तार पजी थे। और आपने काफ़ी सीन्स देखे उसमें, एक तरीके से सीन ही आया था रफ्तार पजी ने एक तरीके से लाइफ एक्सप्लेन करी है कि मतलब उन्होंने अपने जो भी अपने गानों के दिखाया अपने दुनिया को बताया कि मतलब वो सही में कुछ कर सकते, उन्होंने बहुत मेहनत करी वही बताया मतलब सॉन्ग के अंदर। और काफ़ी हार्ड बार्स थे इसके, बहुत ही तगड़ा लाइन तो बहुत ही शानदार थे, लिरिक्स भी बहुत फाड़ लिखे, पूरी एल्बम फाड़ अभी तक मैंने सुनी नहीं, बस ये फर्स्ट सॉन्ग सुना मी एंड माय फैन। सो गाइस, आपको कैसा लगा रिएक्शन कमेंट करके मेरे को बताना, और आपको कौन सी लाइन अच्छी लगी और आपको कितना नॉलेज है मेरे को कमेंट करके बता देना। गाइस, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, 400 सब्सक्राइबर्स का हमारा टारगेट है गाइस। तो गाइस, वीडियो देखने आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, पीस आउट।